तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से हमने जो कुछ भी मांगा था ना, वो फाइनली हमारा डेडपूल एंड वुल्वरीन डिलीवर कर सकता है। इनफैक्ट उससे भी कई ज्यादा, क्योंकि अभी तक फिल्म के मेन प्लॉट को लेके जो कुछ भी जानने मिला है ना, ये फिल्म देखो और कुछ नहीं, डेडपूल 2 के पोस्ट क्रेडिट का एक अल्ट्रा मल्टीवर्सली एम्प्लीफाइड एमसीयू वर्जन होने वाला है, जो कि हमारे इस छोटे से सिनेमैटिक यूनिवर्स को हमेशा के लिए बदल के रख देगा। चलो फोकट का ज्ञान नहीं देते, सीधा पॉइंट पे चलते हैं। तो ट्रेलर तो भाई हम ऑलरेडी तो कटक चुके हैं, जो कि थे तो परफेक्ट रैपचिक लेवल के, बट फिल्म के बारे में इन दोनों ने ही कुछ मेजर माजर भाई रिवील घंटा नहीं किया। बट यही पे फिल्म की मार्केटिंग जब से चालू हुई है, तीन सिनॉप्सिस भी हमारे एटलीस्ट देखो आ ही चुके हैं, और तीनों की तीनों ने एक चीज हाईलाइट करके बताई है कि डेडपूल 3 हमारी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के हिस्ट्री को बदलने वाली है, और वो भी फेज 1 से लेके ऑल द वे टू 4 तक के बीच। और इस बात की अगर बाय चांस तुम गहराई समझ नहीं पा रहे, तो होल्ड ऑन, कि 2008 के आयरन मैन से लेके 2022 के ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर तक के किसी भी इवेंट में इंटरफियर करके उसे अल्टर कर सकते हैं। और दूसरा, किसी भी का मतलब सही में लिटरली किसी भी, बिकॉज इस सिनॉप्सिस के हमारे दिन का उजाला देखते ही मार्वल ने इसे तुरंत डिलीट करवा दिया है, कब का मतलब समझ रहे हो। फिल्म का अगर ये कोई मेजर एलिमेंट नहीं होता तो क्यों ही करवाते। और अगर कहोगे कि चलो चंदूलाल, मान लिया कि हिस्ट्री चेंज करेंगे, बट कैसे और कौन सी वाली, तो भाई लोग इट्स योर लकी डे, क्योंकि इसको भी लेके मैंने खोज खाज के ऐसे 4-5 सिनेरियोस निकाले हैं। लाइक पहले थोड़ा सख्त था, बट अब धीरे धीरे करके विश्वास होने लगा है कि ट्रेलर में पैराडॉक्स ने जो सारे इवेंट्स वेड को दिखाए थे ना, तो उनमें से कुछ लोकेशंस तो ये पक्का का पक्का रिविजिट करने ही वाला है, जैसे कि एज ऑफ अल्ट्रॉन के वो सकोविया का ओपनिंग सीक्वेंस वाला लोकेशन, फिर इवन सिनेमाकॉन में भी जो क्लिप हमें तो बोल नहीं सकते उन्हें दिखाया गया था, तो उसमें थॉर द डार्क वर्ल्ड का भी एक सीन था, जिसमें थॉर हमारे लोकी की जगह डेडपूल के बॉडी को पकड़ के रो रहे थे। और इसको लेके टू बी ऑनेस्ट, आई वाज स्केप्टिकल कि टीवीए का कोई अल्टर्ड फुटेज भी हो सकता था डेडपूल को काम करने में कन्विंस करने के लिए, बट रिसेंटली रिलीज हुए फिल्म के प्रोमो मर्चेंडाइज को देखने के बाद ये रियल भी होगा लग रहा है, और बाकी के जिन सीन्स की हम बात कर रहे हैं शायद वो भी इसी तरह ही कुछ हो सकते हैं, जैसे कि एक किचन में डेडपूल एंड गेम के एंड वाले ओल्ड स्टीव रॉजर्स से इंटरेक्ट कर रहा है, तो एक में डेडपूल अवेंजर्स 1 के चिटोरी आर्मी से लड़ रहा है। और क्रेजी बात है कि सिर्फ मार्वल थोड़ी, इन मर्चेंडाइज के हिसाब से ये साहब जी भाई डिज्नी के भी कुछ आइकॉनिक सीन्स को रिक्रिएट कर सकते हैं, और जितना हम इसे जानते हैं ये बावला करेगा भी, जैसे कि लायन किंग का सिम्बा वाला सीन हो, स्नो व्हाइट का जूते वाला, या एक में तो लिटरली जलपरी बना हुआ है। और क्योंकि भाई सिनॉप्सिस में स्पेसिफिकली ये भी लिखा था कि फेज 1 से लेके 4 तक के बीच ये कुछ फैन फेवरेट सीन्स में डाका डालने वाले हैं, तो सर पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं, क्योंकि चाहे देखो फेज 4 में इतना कुछ था नहीं, बट उससे पहले भाई बहुत सारे फैन फेवरेट मूवमेंट्स भरे पड़े हैं। ये इन्फिनिटी वॉर का वकांडा बैटल, अवेंजर्स एंड गेम का स्नैप सीन, सिविल वॉर का एयरपोर्ट बैटल, सी हल्क का ट्वर्क बैटल, वांडा का वेस्ट व्यू, कहीं भी जा सकते हैं। लाइक जैसे मैंने कहा था ना, डेडपूल 2 का पोस्ट क्रेडिट ही होगा, बट उसका एक वे मोर एपिक एमसीयू वाला वर्जन। और आई नो ऐसा करेंगे तो बजट भाई छपरा फाड़ के भाग जाएगा, बट आई डोंट थिंक ये सारे के सारे सीन्स को ऐसे 1-to-1 रिक्रिएट करेंगे, बहुत से भाई सीजी ऐड हो सकते हैं। लाइक समथिंग लाइक सीन कहीं टेक प्लेस कर रहा हो तो डेडपूल एंड वुल्वरीन बैकग्राउंड में ऐसे जाके वहां होके सब कुछ देख के ऐसे बिना कोई इंटरफेरेंस करे वापस आ जाए, बिकॉज सीधी बात है भूलना मत, अगर ऐसे थोड़ा सा भी उंगली किया ना तो भयंकर भाई ब्रांच टाइमलाइंस क्रिएट होते जाएंगे। इस तरह बेचारे माली लोकी का काम बढ़ जाएगा, बात अलग हुआ तो वैसे मजा भी आ जाएगा। लाइक इमेजिन ये बजर बट्टू वॉर्मीर में पहुंच के नताशा के बदले खुद ही कूद जाए, या रेड स्कल को ही धक्का मार दे, या इन्फिनिटी स्टोन से चुरा ले ताकि स्टीव वापस ही ना जा पाए। लाइक भैया जी हमारे कैप के भाई जितने बड़े फैन है ना, ये डेफिनेटली कैप्टन अमेरिका के किसी सीन में तो इंटरफियर करेगा ही करेगा। या फिर हमारा मोस्ट पॉपुलर थ्योरी, एंड गेम के एंड में जाके टोनी से गॉनलेट चुरा के खुद ही स्नैप कर दे, जिससे टोनी बच जाए, भाई वांगडू विंगडू टाइमलाइंस क्रिएट हो जाएंगे, लोकी पगला जाएगा बैठ के। इनफैक्ट शायद ये ब्लैक पैंथर के भी किसी सीन को रिविजिट कर सकते हैं, बिकॉज कुछ ही दिन पहले आउट ऑफ ब्लू ना कि ओनली ब्लैक पैंथर के ऑफिशियल पेज ने डेडपूल 3 का ट्रेलर रीपोस्ट किया था, बट हमारे किलमॉन्गर यानी माइकल बी जॉर्डन ने भी इंस्टा पे इसे शेयर किया था। सो आई वंडर व्हाई, बिकॉज फिल्म देखो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली क्रेजी होने वाली है, जो कि डेडपूल के प्योर कैओटिकनेस को एब्सोल्यूट लिमिट तक भाई दिखाने का ट्राई करेगा। और ये जितना भी हमने बात किया ये सब देखो इसलिए पॉसिबल है क्योंकि फागी खुद इसमें उन्हें ऑल आउट जाने दे रहे हैं, बिकॉज तुमने नोटिस किया होगा उनके हर सिंगल इंटरव्यू में उन्होंने केविन फागी को थैंक यू बोला ही बोला है। सो आई थिंक ये बंदे ने सिंपली अपने डोरेमोन जैसे टोपी को निकाला होगा और कह दिया होगा कि ले लो भाई एमसीयू की चाबी ले लो और जो करना है करो, बस
वो सब मत करना, और एग्जैक्टली दैट्स व्हाई इतनी हाइप है इस फिल्म को लेके। तो हाँ गाइस, आज के लिए इतना ही था, और इन सब को लेके तुम्हारे विचार क्या है डेफिनेटली बताना, तुम किस सीन को रिविजिट होते देखना चाहोगे ये भी बताना, और ऐसे ही रापचिकदार पावर पैक्ड मल्टीवर्सल माल पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, बटन को घर लेके थोड़ी जाओगे। और मैं तुमसे मिलूंगा एक और वीडियो में, सो गाइस तब तक बाय और टेक केयर।